सो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, माय नेम इज अंकित पांचाल एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द हॉस्टल एट दिल्ली, जो कि एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल है अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए और आप एक ऐसा स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली हो, साथ ही साथ जितनी भी घूमने की प्लेसेस हैं वो भी नियर बाय हों और आपको फूड ऑप्शंस के लिए भी दूर ना जाना पड़े, तो जो हॉस्टल दिल्ली है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सो गाइज, अगर आप इस हॉस्टल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आपका पड़ेगा आश्रम, जो कि पड़ता है पिंक लाइन के ऊपर और आपको गेट नंबर 3 से एग्जिट करना है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहां से अभी आपको मैं रास्ता दिखा देता हूं, क्योंकि जो हॉस्टल है यहां से मुश्किल से 1 मिनट वॉकिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहां से सीधा चलते हुए जाना है। सो गाइज, अभी हम उस साइड से मुश्किल से 1 मिनट वॉकिंग आए हैं और आपके पीछे पेट्रोल पंप है और इसी के बगल में हमारा हॉस्टल है, दिस इज द हॉस्टल, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं आपको इस हॉस्टल के अंदर ले आता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। सर, चेक इन एंड चेकआउट टाइमिंग्स क्या रहेंगे हॉस्टल की? चेक इन टाइम इज 1 PM एंड चेकआउट टाइम इज 11 AM। अच्छा, और अगर किसी को बुकिंग करनी है तो किस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं? वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द वेबसाइट, booking.com, हॉस्टल वर्ल्ड एंड ट्रिप एडवाइजर, GoIBIBO, एवरीथिंग। एंड डू यू ऑल्सो हैव अ सेपरेट वेबसाइट? यस, वी हैव आवर ओन वेबसाइट व्हिच इज द hosteler.com। सो गाइस, दिस इज द डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ के कुछ भी खा सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और जैसे फेलो ट्रेवलर्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, तो ये कॉमन स्पेस एरिया है एक तरह से। सो गाइस, ये है डबल डिलक्स रूम और इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग 1800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक, ठीक है। जो प्राइजेज हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और जो रूम है बहुत ठीक है, जितनी भी चीज़ें एक रूम के अंदर होनी चाहिए वो इस रूम के अंदर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेड है, ईजिली 2 लोग इस पर सो सकते हैं, और आपका वहाँ पे AC लगा हुआ है और लाइटिंग भी पूरी प्रॉपर है रूम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका एक TV है, ओके। एंड अगर आपको चाय पीनी है या फिर गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे केटल वगैरह प्रॉपर रखी हुई है, ओके। सो इस तरह का वॉशरूम होगा गाइस, यहाँ पे आपका पार्टीशन बना रखा है, सारे अलग है और वो टॉयलेट के लिए उधर है, ठीक है। एंड जितनी भी टॉयलेटरीज एंड जो भी आपके हैंड सैनिटाइजर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, ओके। एंड दिस इज द मिरर गाइस, जिस रूम के अंदर अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये है सिंगल डिलक्स रूम और इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक। अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि रूम के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, ओके। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, द फूड इज गुड, द प्रॉपर्टी इज वेरी सटल, सोबर, नॉट एट ऑल जैजी प्रॉपर्टी, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव एज वेल। एवरी डे द स्टाफ क्लीन द रूम्स, like everything from the pillows, bed covers, the bathrooms, everything, like you will not find any single problem in the room. So guys, this is the common space area jahan pe aap baith sakte ho aur chill kar sakte ho apne friends ke sath. Main aapko dikhata hu kya kya cheeze hain yahan pe. And guys, abhi hum khade hue hain superior double deluxe room ke andar. और इसके अंदर ये खास बात है कि ये जो और बाकी हमने रूम्स देखे थे ना, सिंगल डिलक्स रूम एंड डबल डिलक्स रूम, उससे बहुत ज़्यादा स्पेसेस है और एक स्पेस भी बना रखा है, अगर आपको कुछ काम करना है, पढ़ना है, थोड़ी देर लिखना है, तो वो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। एंड दिस इज द बालकनी, ठीक है, अगर आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बंद भी कर सकते हो। सो गाइज, अभी हम खड़े हुए हैं 6-bed मिक्स डॉर्मेटरी रूम के अंदर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये रूम है ये किस तरह का है।
तो कुछ इस तरह का बेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे दो पिलोज हैं, ओके, और काफी अच्छा स्पेस है अगर आपको लेटना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक लैंप और यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट, और अगर आपको कुछ रखना है यहाँ पे तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ रखना है तो उसके लिए यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटीज भी हैं। लॉकर मैं आपको दिखा देता हूँ, दीज आर द लॉकर्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्पेस है, आप इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं इजिली। एंड गाइज, अगर आपको आयरन और ड्रायर चाहिए, हेयर ड्रायर, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्रैंड ले, कितने रुपए लोगे हैं? कम ले लो यार। सो गाइज, अभी मैंने जो हॉस्टल था हमारा द हॉस्टलर, उससे बाहर निकलते ही मैंने ये ऑटो किया है। इन्होंने मेरे को बोले हैं 40 रुपये। यहाँ से जो ग्रैंड ले मार्केट है वो आपकी 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो आपको ऑटो वाले 30-40 रुपये के अंदर छोड़ देंगे। तो गाइज, ये है वो मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको बोलते हैं सीसी मार्केट या ग्रैंडले मार्केट। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी रात के 8:15 बज रहे हैं और खूब चहल पहल है। तो अगर आप हॉस्टलर दिल्ली में रुके हैं तो इस मार्केट को जरूर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने के बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको स्ट्रीट फूड चाहिए वो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक रील सिनेमा भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अगर आपको मूवी देखनी है, हैंग आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मार्केट जो है, मतलब यहाँ पे आपको नॉन वेज वेज सब कुछ मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, वो भी मिल जाएंगे। अब मेरे पीछे देखो, ये सारी जो मार्केट है, यहाँ पे आपको पैंट, जीन्स, टी शर्ट्स सब मिल जाएगी। तो ये मार्केट कैसी है, थोड़ा बताओगे इस मार्केट के बारे में? भाई बेहतरीन है यार, सब कुछ है, सब कुछ सारे जमीन पर। क्या क्या मिल जाएगा? भाई मिलने को तो सब कुछ मिल जाएगा, बस किस्मत पे बात है। चलो ठीक है, तो गाइस देख रहे हो, भाई बता रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। ठीक है भाई, जी भाई, थैंक यू सो मच।